ब्राह्मण समाज में रैली निकालकर फूका प्रीतम लोधी का पुतला, थाने का किया घेराव, कार्रवाई हेतु सीएम गृह मंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। सामाजिक विद्वेष फैलाने वाले ब्राह्मण समाज संस्कृति और महिलाओं के खिलाफ सार्वजनिक रूप से अमर्यादित शोभनीय और समाज की छवि धूमिल करने की टिप्पणी करने वाले भाजपा नेता प्रीतम लोधी जलालपुर के खिलाफ बदरवास में ब्राह्मण समाज ने विशाल रैली निकाली, जिसमें अन्य सामाजिक लोगों ने भी अपने सहभागिता निभाते हुए प्रीतम लोधी का पुतला फूका और तहसीलदार को मुख्यमंत्री, गृहमंत्री, जिलाधीश और पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपकर जबरदस्त नारेबाजी करते हुए पुलिस थाना जाकर FIR हेतु प्रदर्शन किया। भाजपा नेता प्रीतम लोधी ने गत दिवस खरेह ग्राम में एक कार्यक्रम में मंच से सार्वजनिक रूप से ब्राह्मण समाज, सनातन संस्कृति, महिलाओं और धार्मिक ग्रंथों के खिलाफ भाषण दिए थे, जिसका विरोध और रोष बदरवास में जबरदस्त देखने को मिला, जहां डाक बंगला प्रांगण में ब्राह्मण समाज के सैकड़ों लोग एकत्रित होकर रैली के रूप में तहसील कार्यालय पहुंचकर बदरवास तहसीलदार प्रदीप भार्गव को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा, जिलाधीश और पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई कि प्रीतम लोधी द्वारा ब्राह्मण समाज, सनातन संस्कृति, महिलाओं के खिलाफ अमर्यादित अभद्र और छवि धूमिल करने और समाज में विद्वेष फैलाने का काम किया गया था, इसके खिलाफ तत्काल आपराधिक मामला दर्ज किया जाए। तहसील ने फिर समाज का हुजूम रैली निकालता हुआ निकला और ताल चौक पर प्रीतम लोधी का पुतला दहन करते हुए जबरदस्त नारेबाजी करते हुए पुलिस थाना पहुंचकर धरना दिया और नगर निरीक्षक को आवेदन देकर प्रीतम लोधी के खिलाफ कायमी पर कार्रवाई की मांग की गई। इस अवसर पर सैकड़ों संख्या में ब्राह्मण समाज सहित अन्य सामाजिक लोग उपस्थित रहे। घटना हुई है एक कार्यक्रम में सार्वजनिक मंच से भाजपा नेता या जो भी है प्रीतम लोधी द्वारा समाज में वैमनस्य फैलाने के लिए ब्राह्मण समाज के खिलाफ खासकर और हमारी जो संस्कृति है, सनातन संस्कृति है, महिलाएं हैं और हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनके खिलाफ अनावश्यक रूप से अमर्यादित बेहूदी और बहुत गंदी गंदी जो टिप्पणियाँ की हैं उससे पूरा समाज आहत है, सारे समाज आहत है, क्योंकि जो हिंदू समाज है वो व्यवस्था कदम नहीं चाहता और ऐसे बयानों से व्यवस्था बढ़ती है।